स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 114। चेंजेस एट पबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिसियस चेंज ड्यूरिंग पबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। हियर सम एक्टिविटीज आर गिवन, सी। ओके, तो इसके बारे में आपको मैं इन हिंदी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चेंज एट पबर्टी, पबर्टी में होने वाले चेंजेस। तो हाइट में एकदम से इंक्रीज, हाइट एकदम से इंक्रीज होना पबर्टी के दौरान होने वाला सबसे ज्यादा कॉन्स्पिसियस चेंज है। ठीक है, इस समय बॉडी की लॉन्ग बोन्स है ना, एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, ठीक है, बॉडी की जो लंबी हड्डियां होती हैं, लेग्स एंड हैंड्स की बोन्स, ठीक है, और उनकी हाइट में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, इंक्रीज होती है उनकी हाइट और इंसान जो है वो टॉल हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में एक ये चार्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, है ना। तो चार्ट में बॉयज और गर्ल की एज के अकॉर्डिंग हाइट में इंक्रीजिंग की यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज दिया हुआ है कि देख सकते हैं यहाँ आप कॉलम 2 और कॉलम 3 में किसी पर्सन की हाइट का परसेंट, हाइट को परसेंट में दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि एज इन ईयर्स, 8 साल का बॉयज कितना इंक्रीज होगा, 72%, और गर्ल कितनी होगी, 77%। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका यूज आप अपने फ्रेंड्स के साथ करके, है ना, और पता लगा सकते हैं कि आपकी क्लास में कौन सबसे टॉल और कौन सबसे शॉर्ट स्टूडेंट है। ठीक है, या आपका फ्रेंड है, है ना। और ये तो पता है कि क्लास में डिफरेंट डिफरेंट हाइट के बच्चे होते हैं, है ना। और यहाँ कैलकुलेशन करने का भी तरीका यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले देखें आप यहाँ कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ क्या दिया है, परसेंट ऑफ हाइट सेंटीमीटर में अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, है ना, इनटू 100। तो परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज वो आपको यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल सबसे पहले समझें कि अ बॉय इज 9 इयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक बॉय जो है वो 9 ईयर का है और उसकी हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, यहां देखें आप क्या दिया है, ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग परसेंट हाइट। तो आपको यहाँ पर हाइट कितनी दी है एग्जांपल में, 120 अपॉन परसेंट कितना है, 9 इयर्स का बॉय है ना, तो 9 ईयर के बॉय के लिए देखें यहाँ कितना दिया है, 75%। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में 75 और इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होना चाहिए, 160 मीटर टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहाँ एक्सरसाइज 10.2 देखें, वो जो डाटा हमें टेबल में गिवन है उसका यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना बहुत इजी है, ग्राफ बनाना तो आप लोगों ने क्लास 7th में सीखा है ग्राफ बनाना, है ना। तो ये इजी है, देख सकते हैं यहाँ एज दिया हुआ है, यहाँ पर एज रख दिया गया है और यहाँ पर परसेंटेज रखा गया है। तो ये जो डार्क है, ये बड़े पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये बॉयज की हाइट का परसेंट है और ये गर्ल्स की हाइट का परसेंट है। ठीक है, देखें सबसे पहले 8 इयर्स की का जो बॉयज है उसका परसेंट कितना दिया है, देखें यहाँ 72% दिया है। तो यहाँ ग्राफ में भी 70 से ऊपर, यहाँ थोड़ा सा 72%, और गर्ल का कितना दिया है, 77%। तो यहाँ देखें 75 से ऊपर ये दिया हुआ है 77%। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये ग्राफ यहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो इनिशियली, है ना, इनिशियली क्या होता है, बिगनिंग में गर्ल्स जो हैं
वो बॉयज की अपेक्षा बहुत जल्दी बढ़ती है ना। लेकिन लगभग 18 इयर्स की आयु तक दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट प्राप्त कर लेते हैं 18 की एज तक, ठीक है। उसके बाद से फिर हाइट बढ़ना कम हो जाता है, बंद हो जाता है लगभग, या कम हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस की हाइट में इंक्रीज का रेट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ पुबर्टी में बहुत फास्ट बढ़ते हैं, है ना। कुछ लोग सम में ग्रो सडनली एट पुबर्टी, है ना, अचानक से बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वो गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, जबकि कुछ स्लोली स्लोली बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, तो यहाँ देखें, फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, ये गर्ल बोल रही है कि मैं तो बहुत वरीड हूं, तो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। मैं लंबी तो हो गई हूं लेकिन मेरी बॉडी की कंपैरिजन में मेरा जो फेस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है। ओके, तो पहेली चिंतित है। सो देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स अवर और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंस सेंट्स लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। ओके, तो पहेली की को चिंतित मतलब वरीड होने की जरूरत नहीं है। बॉडी के सभी पार्ट सेम रेट से ग्रो नहीं करते हैं। कभी कभी एडोलसेंस के हैंड्स या लेग बॉडी के अन्य पार्ट की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी ही सेकंड दूसरे जो पार्ट होते हैं, है ना, उसमें भी वृद्धि या इंक्रीज या ग्रो कर शारीरिक अनुपात जो उनका होता है ना, बॉडी का प्रोपोर्शन जो होता है वो उसको बैलेंस कर देते हैं, और उसके बाद जो बॉडी है वो फिट हो जाती है, सुडोल हो जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी पर्सन की हाइट उसकी फैमिली के किसी न किसी पर्सन के लगभग समान होती है, लगभग सेम होती है। इसका कारण ये है कि हाइट पेरेंट्स के, है ना, मदर फादर से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन बट ग्रो के, है ना, या इंक्रीजिंग के इन इयर्स में उचित प्रकार का, है ना, बैलेंस्ड डाइट बहुत आवश्यक है। ये बोन्स, मसल्स और बॉडी के और भी जो पार्ट होते हैं उसको सही तरीके से ग्रो करने में पर्याप्त क्या देते हैं, पोषण देते हैं वो, है ना, नॉरिशमेंट देते हैं इंक्रीजिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आप एडोलसेंस की न्यूट्रिशनल नीड्स के सब्जेक्ट में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ चेंज इन बॉडी शेप। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स के शोल्डर और चेस्ट जो जूनियर क्लासेस होती है ना, उनके स्टूडेंट की अपेक्षा ज्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। इसका रीजन यह है कि वो पुबर्टी में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ग्रोथ के कारण जो शोल्डर है वो फैलकर ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और गर्ल्स में कमर का जो निचला भाग होता है ना, वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है, वाइड हो जाता है। तो ग्रो के कारण बॉयज में मसल्स गर्ल्स की अपेक्षा प्रोमिनेंटली दिखाई देती है, मतलब अच्छी, है ना, गठी हुई, सुस्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए एडोलसेंस के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द एडोलसेंस गर्ल्स और बॉयज में होने वाले चेंजेस डिफरेंट होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है वॉइस चेंज, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. ओके.